तो कैसे गोपियां उन कृष्ण के विषय में शिकायत लेकर आती हैं और यशोदा माई को कहती हैं कि ये जो कृष्ण है इतनी शरारत करता है, इतनी शैतानी करता है, और आज तो इसकी शैतानियां छोटे रूप में है, कल को जब ये बड़ा होगा तो ये पूरे वृंदावन के लिए, पूरे ब्रज के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो जब बीमारी कम हो तभी उसका उपचार कर देना चाहिए। इसकी शरारतें अगर ऐसे ही बढ़ती गईं तो कल को बहुत बड़ी समस्या सबके लिए खड़ी हो जाएगी। तो यशोदा माता ने बोला, लेकिन ये करता क्या है? तो गोपियां एकत्रित होकर सामूहिक रूप से यशोदा माई को कहती हैं, ये जो कृष्ण है, जिस समय हम गायों का दूध निकालने जाते हैं, सारे बछड़ों को उन गायों के रस्सी खोलकर छोड़ देता है और वो बछड़े दौड़कर आकर इन सब गायों का दूध पी जाते हैं और हमारे लिए कुछ दूध निकालने के लिए बचता ही नहीं है, और दूर से खड़ा हुआ हमें देख के मुस्कुराता रहता है, और फिर ये क्या करता है, हमारे घरों में घुस जाता है और घुस के मक्खन चुरा कर लेता है, और अगर हम इसको पकड़ ले रंगे हाथों तो हमारी बाजू जोर से मरोड़ देता है। यशोदा माता कहती है, लेकिन ये तो इतना छोटा है, ये तुम्हारी बाजू कैसे मरोड़ेगा? लेकिन कहती है, हाँ ये बड़ी जोर से बाजू मरोड़ देता है और भाग जाता है फिर, और जब भागता है और हम इसके पीछे भागते हैं तो ये चिल्ला कर कहता है, अगर मेरे पीछे आओगे तो अगली बार तुम्हारे बच्चों को ऐसा रुलाऊंगा कि तुम भी याद रखोगी, और फिर भाग जाता है। दूसरी गोपी बोली, एक बार तो मैंने इस कृष्ण को पकड़ लिया और मैंने बोला, क्यों चुराता है तू हमारे घर में? तो बोला, ये सब जो तुम्हारे पास है वो मेरा ही तो है, चुराया तो तुमने मेरा है, तुम मेरा चुरा कर बैठे हो, और जब मैं अपना वापिस लेने आया हूँ तो तुम बोलते हो कि मैं चुराता हूँ, मैं नहीं, तुम चुरा कर बैठे हो। तो कृष्ण यशोदा माता को बोलते हैं, यशोदा माता देखो, मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ क्या? आपको लगता है मैं ऐसा कभी करूंगा किसी के साथ? मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ और मैं इन सबसे भी इतना प्रेम करता हूँ, अगर ये कहते हैं मैं इनके घर में जाता हूँ तो मैं इनके घर में इसीलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे इनसे प्रेम है, मैं अपने प्रेम के कारण इनके घर में जाता हूँ, वरना मुझे क्या लेना देना इनके घर से, मैं इनके घर में क्यों जाऊंगा? तो प्रेम है जो मुझे खींच कर इनके घरों में लेकर जाता है। तो यशोदा माता तो बड़ी वात्सल्य प्रीति में थी, और वात्सल्य प्रीति के कारण हालांकि यशोदा माता समझ रही थी कि कृष्ण चुराने जाते हैं, लेकिन फिर भी इस वात्सल्य प्रेम का ऐसा भाव था कि यशोदा माता कहती हैं कि ओ गोपियों, तुम सब झूठ बोल रही हो, कृष्ण कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, देखो ये कितना मासूम है, इसकी मासूमियत देखो, इसके चेहरे को देखो, लगता ही कभी ऐसा कर सकता है, ये कभी नहीं ऐसा करता, तुम चली जाओ यहाँ से। तो वो गोपियां भी हंसती हुई चली जाती थी। कितना माता कृष्ण को अकेले में ले जाकर बोलती है, कृष्ण ये अच्छा नहीं है, हाँ ये अच्छा नहीं है, हमारे घर में कोई मक्खन की कमी है क्या? हमारे घर में दही की कोई कमी है, दूध की कमी है? कितना सब कुछ तो है तुम्हारे लिए, तुम जितना चाहो ले सकते हो, किसी ने तुम्हें रोका? कभी मैंने बोला कि इतना नहीं लेना तुमको? फिर तुम दूसरों के घर में क्यों चुराने चले जाते हो? और इतनी देर में नंद बाबा आ जाते हैं, और जब नंद बाबा आते हैं तो कृष्ण यशोदा माता का हाथ छुड़ा के जोर से भागते हुए नंद बाबा की गोद में चढ़ जाते हैं, और नंद बाबा की गोद में चढ़ के कहते हैं, देखो, और अपने आप को नंद बाबा के साथ लिपट के छुपा लेते हैं। तो नंद बाबा यशोदा माता को कहते हैं, देखो ये गलत जो इल्जाम है कृष्ण पे मत लगाना, हाँ ये कृष्ण बहुत मासूम है, ये किसी के घर में कोई चोरी कर ही नहीं सकता, हाँ ये कैसे, तो ये जो भी कृष्ण पे इल्जाम लगाएगा उसे सजा दी जाएगी। तो इस तरह से कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को नंद भवन में, गोकुल में प्रदर्शित कर रहे थे। ये है परम भगवान जो इस सृष्टि के नियता है, हाँ उनका गुणगान करते हुए अनंत शेष चुप नहीं हो पा रहे, और वो परम भगवान जो कि सर्वे सर्वा है, जो 33 करोड़ देवताओं के द्वारा भी जिनको उनको दर्शन उपलब्ध नहीं है, जब भी देवताओं को कुछ चुनौती कठिनाई आई तो वो क्षीर सागर के तट तक जाते हैं, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तेन हृदय ब्रह्म आदि कवये, और उन आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान बस अपने संदेश को संचारित कर देते हैं,
और वो भगवान ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं देते, 33 करोड़ देवताओं को भी दर्शन नहीं देते, और वो परम भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि ब्रह्मा जी के तो 4 सर और उनकी पूरी की पूरी देह जो कि बुद्धि का बना हुआ है, ब्रह्मा जी का पूरा देह बुद्धि का बना है, जिस तरह से हमारा देह पंच तत्वों का बना है, तो वो बुद्धि का बना पूरा देह 4 के 4 सर जब भगवान की इन बाल लीलाओं को देख रहे हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं ये कैसे परम भगवान हो सकते हैं, ये कैसे परम भगवान हो सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जी धोखा खा जाते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता, तो जब भगवान खुद एक मनुष्य के रूप में अवतरित हो जाए तो एक मूढ़ व्यक्ति अवजानन्ति उनको नहीं पहचान सकता, तो उनको पहचानने के लिए तो भक्ति विलोचनेन, हमें ऐसी आंखें चाहिए जो कि भक्ति की आंखें चाहिए।